देखा, हमने ब्रह्मास्त्र को फ्लॉप करके दिखा दिया है। ये हमारी ताकत है, हम चाहें तो इंडिया में किसी भी फिल्म को फ्लॉप करा सकते हैं। दोस्तों, ये गलत फहमी दूर हो गई है। बायकॉट गैंग को क्या कहूँ दोस्तों, बायकॉट गैंग इतना ज़्यादा इस फिल्म को बायकॉट किया और उन्हें लगा ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बायकॉट गैंग को अब समझ में आ जाना चाहिए कि जनता डिसाइड करती है। फिल्म अगर बड़ी होगी, कुछ नया दिया जाएगा, तो जनता सिनेमा घर आएगी दोस्तों, आएगी। और पहले दिन 18 करोड़ का एडवांस था ब्रह्मास्त्र का, और इस फिल्म ने 36 करोड़ का बिजनेस किया है इंडिया में। नेट कलेक्शन है दोस्तों 36 करोड़, और ग्रॉस कलेक्शन है 43 करोड़, यानी इंडिया से इस फिल्म ने 43 करोड़ का बिजनेस किया है। अब बताओ, बायकॉट करके क्या मिला आपको? आपको 2 रुपये मिल सकते हैं, ये मैं बात मानता हूँ कि आपने बायकॉट करके 2 रुपये कमा लिया, लेकिन फिल्म ने 43 करोड़ का बिजनेस किया है इंडिया में दोस्तों। ये फिल्म पहली ऐसी फिल्म है बॉलीवुड का देख रहा हूँ ना, जिसके मॉर्निंग शो रखे गए हैं 6 बजे का आज के दिन। कल का इतना ज़्यादा हाइप था तो आज इसके 6 बजे दोस्तों शो रखे गए हैं मॉर्निंग में, और वो भी बहुत ही अच्छे ऑक्यूपेंसी पे चल रही है दोस्तों। आज एडवांस बुकिंग बहुत अच्छा है, इसके बारे में भी हम बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल 36 करोड़ पहले दिन नेट कलेक्शन है दोस्तों ऑल इंडिया, और 43 करोड़ ग्रॉस। ओवरसीज़ के बारे में भी बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ओवरसीज़ के बारे में आपने नहीं बताया। $3.5 मिलियन इस फिल्म ने ओवरसीज से बिजनेस किया है, ये एस्टिमेटेड है दोस्तों। $4 मिलियन भी हो सकता है, यानी 25 करोड़ से ज़्यादा ये फिल्म ओवरसीज में पहले दिन बिजनेस की है। टोटल हो गया है वर्ल्ड वाइड दोस्तों 68 करोड़, यानी 68 करोड़ इस फिल्म ने बिजनेस कर लिया है। भक्त जहाँ 2 रुपये कमा के हैप्पी हैं, तो ये फिल्म 68 करोड़ कमा रही है, तो सोचिए मेकर्स कितना ज़्यादा हैप्पी होंगे। अब दूसरे दिन एडवांस बुकिंग दोस्तों 20 करोड़ की है सैटरडे को आज के दिन। कल का एडवांस 18 करोड़ 20 लाख का था, तो फिल्म ने 36 करोड़ का बिजनेस किया, या फिर हम 43 करोड़ कहें जो कि ग्रॉस फिगर है। तो आज ये फिल्म 20 करोड़ का एडवांस है, तो क्या ये फिल्म आज 40 करोड़ का बिजनेस करेगी? 35 से 40 करोड़ इस फिल्म को आज होना चाहिए दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है। और संडे को भी अच्छा होगा, वीकेंड 100 करोड़ से क्या कम होने वाला है। लाइफ टाइम 225 करोड़ मुझे ऐसा लगता है, ज़्यादा हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, आप सभी को पता है पेंडेमिक के बाद इतनी बड़ी ये फिल्म हिट होगी, यानी इतनी सारी फिल्में पिटी, 50 करोड़ कमाना दोस्तों कितना मुश्किल था। भक्तों के दोस्तों फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म दम तोड़ दी दोस्तों, सम्राट पृथ्वीराज, इसने एक दिन में उतना बिजनेस किया है। धाकड़ इतनी बुरी तरीके से पिट गई, ब्रह्मास्त्र के जो दोस्तों पार्किंग के जो कलेक्शन होंगे ना, थिएटर पार्किंग के, और पॉपकॉर्न जो जनता ने खाया होगा ना, उतना कमाया धाकड़ ने। तो दोस्तों, आप बायकॉट करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करते हो यार? अच्छी चीज़ों पर बात करो, महंगाई के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, इसके बारे में बात करो दोस्तों, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फिल्मों को बायकॉट करना, जबकि ये बायकॉट करने से फ्लॉप भी नहीं होती है। अगर ख़राब होगी तो फ्लॉप तो वैसे भी हो जाएगी दोस्तों, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते हैं। जो भी फिल्में पिटी है ना अभी, उसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते कि हमने बायकॉट करके फ्लॉप करा दिया। इसे आप फ्लॉप करके दिखा दो। टेक केयर।